गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड में मेन्यू बार। और मेन्यू बार में अपन ने फाइल, एडिट और व्यू, ये तीन जो मेन्यू हैं इनके जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे अपन ने कर लिए थे। मेन्यू बार का जो चौथा ऑप्शन है वो आज अपन करेंगे, जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट का मतलब है शामिल करना, कि अपन जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं, अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको किसमें मिलेंगे, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट का अर्थ क्या है, शामिल करना। तो ये जो मेन्यू है इसकी सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट में, पेज में अपन जो जो चीज़ें शामिल कर सकते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला है ब्रेक, पहला ऑप्शन। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें पहला ऑप्शन आएगा ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन की सहायता से देखो, जनरली जब भी अपन काम करते हैं तो अपन क्या करते हैं, लगातार लाइनों को टाइप करते हैं इस प्रकार से, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आपको लगा कि ये थर्ड लाइन में, यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्सर लाना है और फिर इंसर्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ जो ब्रेक ऑप्शन है उस ब्रेक ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक तो कॉलम ब्रेक और एक पेज ब्रेक। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक करोगे ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रेक ऑप्शन है इस कमांड की सहायता से अपन अपने डॉक्यूमेंट में जो लाइनें लिखी है उनको अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं, या जैसे यहाँ लास्ट की दो लाइन है ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जानी है तो जहाँ से ले जानी है उसके आगे क्रसर को लाना है, और क्रसर को लाके जैसे ही आप ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक करोगे ये लाइनें नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी। तो ये जो ब्रेक कमांड है इसके लिए ये लिखा जाता है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक आदि को इंसर्ट किया जा सकता है, इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट किया जा सकता है। अब एक नया वर्ड आ गया, इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का अर्थ है बेटा कि जहां आपका क्रसर है वही आपका इंसर्शन पॉइंट है, जहां क्रसर है ये इंसर्शन पॉइंट है, और जहां ये क्रसर होगा वहीं आप कोई भी नई चीज़ शामिल कर सकते हो। जैसे आपको कॉलम ब्रेक करना है तो जहां से ब्रेक करना है पहले इस क्रसर को वहां ले जाओ, वो हो गया आपका इंसर्शन पॉइंट। और उसके बाद आप कमांड दोगे तो इस क्रसर के आगे जो भी चीज़ है, कॉलम ब्रेक किया है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाएगा, पेज ब्रेक किया है तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो इसलिए इसमें लिखते हैं कि इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ब्रेक ऑप्शन की सहायता से आप पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक आदि को जहाँ आपका क्रसर है जिसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं उस इंसर्शन पॉइंट पर शामिल कर सकते हैं। तो पहला कमांड है ब्रेक। ब्रेक के बाद दूसरा कमांड है पेज नंबर। सेकंड कमांड है आपका पेज नंबर। पेज नंबर देखो, जनरली लोग बात जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये पेज नंबर टाइप करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप डॉक्यूमेंट जैसे ही शुरू करते हैं तो इंसर्ट के सेकंड ऑप्शन पेज नंबर पे जाके उसको क्लिक कर दें। पेज नंबर क्लिक करने के बाद जितने भी पेज में आप काम करोगे उन सभी पेज में अपने आप नंबर हैं वो लग जाएंगे। अब आप कहते हो कि इतना करने की आवश्यकता क्या है, करेक्टली तो टाइप करना है, जैसे पेज के लास्ट में जाके पेज नंबर वन कर दिया, पेज टू पूरा हुआ तो पेज नंबर टू कर दिया, वैसे भी आप टाइप कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है
कि जैसे आपने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया और पेज नंबर 3 को आपने डिलीट कर दिया, तो पेज नंबर 3 को डिलीट करने के बाद आपको पेज नंबर 4 में जाके 4 हटा के वहाँ 3 करना पड़ेगा और 5 में जाके 5 हटा के वहाँ 4 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेज नंबर ऑप्शन का यूज किया है तो आप कोई भी नया पेज शामिल कर रहे हो या किसी पेज को हटा रहे हो तो ये जो पेज नंबर है ये अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। कोई नया पेज जुड़ा है तो जिसके बाद जुड़ा उसमें वो नंबर आ जाएगा और आगे वाले नंबर अपने आप सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और अगर बीच में से आपने कोई पेज हटाया है तो हटाए जिस पेज को हटाया उसके आगे जितने भी पेज हैं उनमें पेज नंबर अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। इसलिए इसका यूज करते हैं कि जब भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इस पेज नंबर ऑप्शन का यूज करना चाहिए। और पेज नंबर ऑप्शन का यूज करने से बेनिफिट क्या है कि अगर आप कोई पेज डिलीट कर रहे हो या आप कोई नया पेज उसमें ऐड कर रहे हो तो ये जो पेज नंबर हैं ये अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं सभी पेजेस में, फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पेज नंबर ऑप्शन में अपन लिखते क्या है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट में विभिन्न पेज में पेज नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। जितने भी पेज हैं उन सब में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है, या यह ऑप्शन डिलीट किए गए अथवा ऐड किए गए पेज विभिन्न पेज को स्वतः ही अपडेट कर देता है। इस ऑप्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज को आप डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, सॉरी ऐड कर रहे हो, तो जो आगे के पेज नंबर हैं उनको ये अपने आप ही अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम। अगला ऑप्शन है तीसरा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऑप्शन, जैसा इसका नाम है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें आपको करंट डेट देनी है या करंट टाइम देना है, तो ये जो डेट एंड टाइम ऑप्शन है इसके द्वारा आप इंसर्शन पॉइंट पे, और इंसर्शन पॉइंट कौन सा, जहां आपका क्रसर है, तो वहां पे आप करंट डेट व टाइम को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इस ऑप्शन से डेट दबाओगे तो डेट आ जाएगी और टाइम दबाओगे तो करंट टाइम आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए अगर शॉर्ट नोट्स पूछे जाए तो आपको क्या लिखना है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में या करंट डॉक्यूमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हो इंसर्शन पॉइंट पर डेट व टाइम को इंसर्ट किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है। तो ये है डेट एंड टाइम ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपका सिंबल, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सिंबल ऑप्शन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कई दफ़ा अपन टाइप कर रहे हैं और टाइप करते हुए कोई ऐसा करेक्टर आ गया जो कीबोर्ड में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं उनको अल्फा लिखना है, उनको बीटा लिखना है, उनको गामा लिखना है, तो ये कीबोर्ड पर नहीं मिलते। जैसे थीटा कोण लिखना है तो ये कीबोर्ड पर नहीं मिलते। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि कीबोर्ड पर वो करेक्टर नहीं है जो आपको टाइप करना है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट में चौथे ऑप्शन सिंबल पे जाना है। जैसे ही सिंबल पे क्लिक करोगे एक काफ़ी बड़ी टेबल आपके सामने आएगी और इसमें छोटे छोटे वो सारे सिंबल हैं जो जनरल लाइफ में यूज किए जाते हैं, और जो सिंबल आपको इंसर्ट करना है उस पर माउस पॉइंटर को ले जाके आप डबल क्लिक करोगे तो जहाँ आपका डॉक्यूमेंट में क्रसर है उसके आगे जो सिंबल आपने सेलेक्ट किया है वो अपने आप ही आ जाता है। तो सिंबल ऑप्शन है, इसमें वे सारे करेक्टर वे सारे सिंबल हैं जो कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है, और उसको अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना है
तो सिंबल में जाके आप इस टेबल को ओपन करके यहाँ से सारे सिंबल हैं जो आपको चाहिए, तो जो भी सिंबल चाहिए वो यहाँ आप आसानी से ला सकते हो। कीबोर्ड पे है उसको तो कीबोर्ड पे प्रेस करके डायरेक्टली ला सकते हैं अपन, लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जैसे मैंने बताया अल्फा बीटा गामा, ये कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे, तो इनको अगर आपको लाना है तो आपको सिंबल ऑप्शन में जाना है और सिंबल में जाके इस टेबल में जहाँ भी ये लिखे हुए हैं वहाँ माउस द्वारा डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही जहाँ आपका इंसर्शन पॉइंट है वहाँ पर ये सिंबल अपने आप ही आ जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिंबल, तो इसमें आपको लिखना क्या है कि इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में सिंबल या करेक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है। सिंबल कमांड है तो ये करेगा क्या, डॉक्यूमेंट में सिंबल या करेक्टर को इंसर्ट करेगा। यदि कोई करेक्टर या सिंबल हमारे कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है तो इस ऑप्शन की सहायता से करंट डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर उसे लाया जा सकता है। इस कमांड पर जैसे ही हम माउस द्वारा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बड़ी टेबल ओपन होती है, उसमें हर प्रकार के सिंबल और करेक्टर होते हैं जिनको माउस द्वारा डबल क्लिक करने पर जहां इंसर्शन पॉइंट है, जहां क्रेसर है, वहां वो करेक्टर आ जाता है। तो ये था आपका सिंबल कमांड। सिंबल के बाद अगला पांचवा है पिक्चर। देखो एमएस वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें ज़्यादातर काम वर्ड का, टेक्स्ट का, इसी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर का, ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर सकें। अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो वो पिक्चर एमएस वर्ड में तो है नहीं, आपने किसी फाइल में रख रखी है, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ ये क्रेसर रहता है वहाँ लाके आप उसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पिक्चर कमांड है ये आपको ये परमिशन देता है कि आप वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या किसी फाइल से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं या शामिल कर सकते हैं। तो इस पे अगर शॉर्ट नोट्स आए तो अपने को क्या लिखना है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में, ओपन डॉक्यूमेंट कौन सा होगा जिसमें आप काम कर रहे हो, ओपन डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज या पिक्चर शामिल की जा सकती है, ठीक है। और सामान्यतः इस पिक्चर को यूजर क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या फाइल से लेके आता है। तो इस पिक्चर कमांड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स में ब्राउज करने के सारे ऑप्शन होंगे, तो ब्राउज करते हुए आप क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या फाइल तक पहुंचोगे और वहां जो आपकी पिक्चर है पहले उसको ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद आप जैसे ही इंसर्ट करोगे तो जहां आपका क्रसर है, जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, उसके आगे वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इसके बाद अगला कमांड है बुकमार्क। छठा कमांड है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज आप लोग जर्नल लाइफ में भी करते हो, जैसे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और मेरे को बीच में कहीं जाना पड़ गया तो जिस पेज को मैं पढ़ रहा था उसको ऊपर से थोड़ा मोड़ के छोड़ देता हूँ, क्योंकि वापस आऊँगा तो उस मुड़े हुए पेज से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ और इससे आगे मेरे को पढ़ना है। तो ये जो मैंने पेज मोड़ा है ये मैंने यहाँ क्या डाला है, बुक मार्क डाला है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में, वहाँ तो पेज है नहीं, आप कोई डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो और रीड करते हुए आप पेज नंबर 10 तक पहुँचे और उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ बुक मार्क डाल दोगे।
बुक मार्क डालने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो बुक मार्क से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तक मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड कर चुका हूँ और इससे आगे मेरे को करना है। तो बुक मार्क पेज की लाइन की पहचान करने के लिए डाले जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बुक मार्क ऑप्शन क्या है, तो अपने को क्या बताना है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में बुक मार्क क्रिएट किए जाते हैं, बुक मार्क बनाए जाते हैं, जिसका यूज किसी टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल आदि को मार्क करने के काम में आता है। और इसका यूज क्या है कि मार्क कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप जब देखना चाहोगे तो इस मार्क की सहायता से देख सकते थे कि पहले कहाँ था। तो ये ऑप्शन होता है बुक मार्क। बुक मार्क के बाद अगला ऑप्शन है वो है फील्ड। सातवां ऑप्शन है वो है फील्ड। फील्ड ऑप्शन डेटा इंसर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक के फॉर्म वगैरह आते हैं उसमें फील्ड बनी हुई होती है, जैसे नेम के आगे 25 करेक्टर की एक फील्ड बना देते हैं कि 25 करेक्टर तक आप अपना नाम उसमें डाल सकते हो। मोबाइल नंबर के आगे 10 करेक्टर की फील्ड बना दी जाती है कि आप 10 करेक्टर के जो मोबाइल नंबर है वो इसमें डाल सकते हो। पिन कोड है उसमें 6 करेक्टर की फील्ड बना दी जाती है। ये फील्ड क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो सभी बच्चों के और आपने फील्ड बना रखी है, तो अगर आपने 9 करेक्टर डाले तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि फील्ड कितने करेक्टर की है, 10 करेक्टर की है। और अगर एक करेक्टर ज़्यादा हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि डेटा एंटर करने में कोई ना कोई गलती होती है। तो फील्ड बनाने से आप डेटा को ऑटोमेटिकली या स्वतः ही जांच सकते हो कि जो डेटा डल रहे हैं वो सही ढंग से डल रहे हैं या नहीं डल रहे हैं। तो फील्ड कमांड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको क्या लिखना है फील्ड के अंदर कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर फील्ड को इंसर्ट किया जा सकता है। देखो, हर कमांड के बारे में ये सब चीज़ें किस में आ रही है, इंसर्ट मेन्यू में। तो फील्ड है तो फील्ड को भी इंसर्ट करना है, पिक्चर है तो पिक्चर को भी इंसर्ट करना है, बुक मार्क है तो बुक मार्क को भी इंसर्ट करना है। और ये सारी इंसर्ट कहाँ होती है, जहाँ क्रेसर होता है, अपने इंसर्शन पॉइंट पे। तो ये तो लाइन आप सभी में लिख सकते हो, जिसका नाम दिया है उसका नाम लिख के कि भाई ये इसको इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट करने के काम में आती है, इंसर्ट किया जा सकता है, जिसका यूज विभिन्न प्रकार की सूचना को स्वतः ही शामिल करने के लिए किया जा सकता है। फील्ड का यूज क्या है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ऑटोमेटिकली या स्वतः ही शामिल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि भाई आपको मोबाइल नंबर इंसर्ट करने हैं। अब मोबाइल नंबर इंसर्ट करने हैं तो ये क्लियर है अपने कि जो मोबाइल नंबर हैं, ठीक है, वो 10 करेक्टर के होते हैं, तो मैंने 10 करेक्टर की फील्ड बना दी। अब 10 करेक्टर से कम होगा तो मेरे को पता चल जाएगा और ज़्यादा होगा तो मेरे को पता चल जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कैप्शन। आठवां ऑप्शन है कैप्शन। ऑप्शन डाला जाता है टेबल के लिए, पिक्चर के लिए। आप लोग बुक में देखते हो कि फिगर 1.1, फिगर 1.2, फिगर 3.7, ये सारे क्या है, कैप्शन है। और ये किसी टेबल के लिए या पिक्चर के लिए डाले जाते हैं। अब आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हो और डॉक्यूमेंट में आपके काफ़ी सारी पिक्चर आनी है और उन सबको नंबर देने हैं, तो फिर जब नेक्स्ट पिक्चर आती है तो आपको पीछे जाके देखने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले वाली पिक्चर के कितने नंबर थे। अगर आपने कैप्शन डाल रखा है तो कैप्शन से नेक्स्ट नंबर अपने आप ही आ जाता है। तो कैप्शन ऑप्शन के लिए लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से टेबल, पिक्चर तथा विभिन्न आइटम हेतु कैप्शन को शामिल किया जाता है। और शामिल कहाँ होगा,
इंसर्शन पॉइंट पे। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, नवा है टेक्स्ट बॉक्स। देखो टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब आपको किसी भी टेक्स्ट को किसी एंगल पर किसी पोजीशन पे सेट करना है या ऐसी जगह लिखना है जहाँ लिखा ही नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर ये तीन लाइनें हैं, इसके बाद यहाँ पिक्चर है, तो इस पिक्चर के बाद अगर इस पिक्चर के आगे आप कुछ लिखना चाहते हो तो नहीं लिख पाओगे, यहाँ पर क्रसर आएगा, इसके बाद डायरेक्ट इस पिक्चर के बाद ये क्रसर यहाँ आ जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन क्या करता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक बॉक्स आएगा और इस बॉक्स के चारों तरफ इस प्रकार के बटन लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको माउस द्वारा यहाँ क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ क्रसर आ जाएगा आप अपना जो भी टेक्स्ट है उसको यहाँ लिख दो। लिखने के बाद फिर माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए इस बॉक्स को इस पिक्चर के ऊपर साइड में कहीं भी ले जाके इस बॉक्स को छोड़ोगे वहाँ ये चला जाएगा और उसके बाद ये बॉक्स तो हट जाएगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है जहाँ आप पहले नहीं लिख पा रहे थे वहाँ वो टेक्स्ट आ जाएगा। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि किसी पिक्चर के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो अपन नहीं लिख पाते, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन की सहायता से इसको आप इस पर लिख सकते हो। दूसरा, जब भी हम टाइप करते हैं तो लेफ्ट टू राइट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में टाइप होता है। अगर आपको इस एंगल में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो एंगल में टेक्स्ट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ले आओ और इसका जो बटन है यहाँ माउस पॉइंटर लाके इस बॉक्स को रोटेट करो, जैसे ही ये बॉक्स इस एंगल में आ जाए इसको छोड़ दो, अब बॉक्स हट जाएगा और बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो इसी एंगल में रह जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से अपन किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पोजिशन में सेट कर सकते हैं और वहाँ लिख सकते हैं जहाँ आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में आपको क्या लिखना है कि टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है, किसी एंगल में सेट करना है या किसी पिक्चर पे टेक्स्ट लिखना है या किसी ऐसी जगह टेक्स्ट लिखना है जहाँ आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो उसको टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर वहाँ ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइल, दसवां ऑप्शन है फाइल। देखो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो वो सारे स्टोर कहाँ होते हैं, फाइल के अंदर। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसको बनाते हुए उसमें एक पेज ऐसा आ गया जो किसी अन्य फाइल में रखा है या कोई एक पैराग्राफ ऐसा आ गया जो किसी अन्य फाइल में रखा है तो उसको आपको वापस टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप फाइल ऑप्शन में जाओ और यहाँ ब्राउज के ऑप्शन मिलेंगे, इसकी सहायता से उस फाइल को ओपन करो जिसमें आपका पेज है और फिर उस पेज को या उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिसको आपको इस डॉक्यूमेंट में शामिल करना है। जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाता है आप इंसर्ट करोगे तो जहाँ आपका क्रसर है उसके आगे आके वो पेज या वो पैराग्राफ जो भी आपने सेलेक्ट किया है या पूरी फाइल वो इंसर्शन पॉइंट के आगे आके शामिल हो जाती है। तो फाइल ऑप्शन में अपन क्या लिखते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर फाइल और फाइल का कोई भाग इंसर्ट किया जा सकता है। पूरी फाइल भी हो सकती है, फाइल का कोई पेज हो सकता है, फाइल का कोई पैराग्राफ हो सकता है, उसको अपन इस ऑप्शन की सहायता से दूसरी फाइल में जो भी रखा है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है वो है आपका 11वां ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको अपन डायरेक्टली शामिल नहीं कर पा रहे हैं और डायरेक्टली शामिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पहले ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करके ला सकते हैं।
जैसे सी का प्रोग्राम है और उसको आपको अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ इंसर्ट करना है, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग में तो बना नहीं है और डायरेक्टली वो नहीं आ रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा आप ला सकते हो। ऑब्जेक्ट में कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी टेबल हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है या कोई भी डेटा हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आता है उसमें फिर आप बदलाव नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट शामिल किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट कोई भी टेक्स्ट, ड्राइंग या टेबल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली नहीं आ रही हो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लाया जा सकता है। तो आज मैंने इंसर्ट मेन्यू के आपको ये 11 कमांड बताए और इंसर्ट का अर्थ है शामिल करना, कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल कर सकते हो। तो सबसे पहला ब्रेक, इस कमांड से आप कॉलम ब्रेक या पेज ब्रेक करके अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित कर सकते हो। दूसरा है पेज नंबर, जो ओपन डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने के काम में आता है। तीसरा है डेट और टाइम, जो इंसर्शन पॉइंट पर डेट और टाइम को टाइप कर सकता है। चौथा है सिंबल, कि आपके कीबोर्ड पे वो करेक्टर नहीं है जो आपको टाइप करना है या वो सिंबल नहीं है जो आपको बनाना है, तो सिंबल ऑप्शन की सहायता से कीबोर्ड पर जो करेक्टर या सिंबल उपलब्ध नहीं है उनको आसानी से इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट किया जा सकता है। इसके बाद है पिक्चर, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज या पिक्चर है, इस पिक्चर ऑप्शन की सहायता से उसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है बुकमार्क, बुकमार्क मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो और कहीं कोई मार्क करना है, जैसे नॉर्मली अपन बुक को पढ़ते हैं तो पेज को मोड़ के मार्क करते हैं, यहाँ आप बुकमार्क डाल सकते हो। बुकमार्क किसी पेज के लिए, किसी लाइन के लिए, किसी पिक्चर के लिए, किसी भी टेबल के लिए आप डाल सकते हो। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये बुकमार्क उसको हाईलाइट कर देते हैं। बुकमार्क के बाद फिर इस कमांड से अपन अपने डॉक्यूमेंट में फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं जो डेटा इंसर्ट करने के काम में आती है। इसके बाद है कैप्शन, आप अपने डॉक्यूमेंट में कैप्शन डाल सकते हो। मैंने बताया था कि जैसे टेबल 1.1, टेबल 1.2, ये सब क्या है, कैप्शन डालें। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हो, किसी एंगल पे, किसी पिक्चर पे या किसी ऐसी जगह जहां आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर पाते। उसके बाद है फाइल, फाइल के द्वारा अन्य फाइल में जो डॉक्यूमेंट बना है उस डॉक्यूमेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट में, ओपन डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हो, पूरी फाइल को भी कर सकते हो या फाइल के किसी पार्ट को भी कर सकते हो। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कमांड है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट कोई भी ड्राइंग हो सकती है, कोई भी टेबल हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम या पिक्चर हो सकती है। तो ये 11 कमांड है जो मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू में बताए हैं। कल से अपन दो दो मेन्यू एक साथ स्टार्ट करेंगे। आज मैंने ये इंसर्ट कमांड के जो 11 ऑप्शन बताए हैं इनको आप खूब अच्छे ढंग से इस वीडियो में देख के, और अगर घर पे सिस्टम है तो करके देख लेना, बाकी ऑफलाइन क्लास हो उस समय पूछ सकते हो या ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।